ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। मुंबई से उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया है। 86 साल की उम्र में पद्म विभूषण ने अंतिम सांस ली है। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आज उनके अंतिम दर्शन होंगे। राजकीय सम्मान के साथ उनकी विदाई की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि मुंबई के ब्रीच कैंटी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर दुख जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि रतन टाटा एक असाधारण इंसान थे। टाटा समूह के चेयरमैन और वरिष्ठ उद्योगपति रतन टाटा ने बुधवार रात इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 86 साल की उम्र में देश और दुनिया को अलविदा कहने वाले रतन टाटा को खराब स्वास्थ्य के चलते मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और 2 दिन पहले ही उन्होंने अपने स्वास्थ्य पर किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने और खुद का स्वास्थ्य बताया था। रतन टाटा के निधन पर राजनीतिक जगत से कई लोगों ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री मोदी समेत कई लोगों ने एक्स पर पोस्ट कर दुख जताया है। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। योगी आदित्यनाथ ने भी एक्स पर पोस्ट के माध्यम से दुख जताया है। गौतम अडानी ने भी ट्वीट के माध्यम से इस हादसे को लेकर दुख जताया है। नितिन गडकरी ने भी एक्स पर पोस्ट किया है और इस पूरे व्याख्या को लेकर दुख जताया है। राहुल गांधी का भी ट्वीट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उन्होंने भी दुख जताया है। और साथ ही आपको बता दें अमित शाह ने एक तस्वीर के साथ ही एक्स पर पोस्ट किया है और उनके निधन पर दुख जताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आप ये एक्स पर पोस्ट देख सकते हैं, उन्होंने भी दुख जताया है। जेपी नड्डा ने भी एक्स पर ये पोस्ट किया है और रतन टाटा के निधन पर दुख जताया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने भी एक्स पर पोस्ट करके दुख जताया है। साथ ही आपको बता दें कि सुंदर पिचाई का ये आप ट्वीट देख रहे हैं, उन्होंने भी इस पूरे व्याख्या को लेकर दुख जताया है। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आज उनके अंतिम दर्शन होंगे और राजकीय सम्मान के साथ उनकी विदाई की जाएगी। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको बता रहे हैं, जहां रतन टाटा ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पीएम मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट कर इस पूरे व्याख्या को लेकर दुख जताया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि टाटा एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। डॉक्टर मोहन यादव ने भी दुख जताया है रतन टाटा के निधन पर। आप देख सकते हैं लगातार एक्स पर पोस्ट करके सभी बड़े दिग्गजों ने दुख जताया है। योगी आदित्यनाथ ने भी एक्स पर पोस्ट के माध्यम से दुख जताया है। साथ ही आपको बता दें कि सुंदर पिचाई ने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, गौतम अडानी ने एक्स पर पोस्ट करके इस रतन टाटा के निधन पर दुख जताया है। नितिन गडकरी का आप एक्स पर ये पोस्ट देख सकते हैं। साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी एक्स पर पोस्ट करके रतन टाटा के निधन पर दुख जताया है। अमित शाह ने तस्वीर के माध्यम से पोस्ट किया है और रतन टाटा के निधन को बेहद दुखद बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी आप ये पोस्ट देख सकते हैं। जगत प्रकाश नड्डा ने भी एक्स पर पोस्ट के माध्यम से रतन टाटा के निधन पर दुख जताया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी का भी आप ये एक्स पर पोस्ट देख सकते हैं, उन्होंने भी रतन टाटा के निधन पर दुख जताया। सुंदर पिचाई ने भी बेहद दुखद बताया है। 86 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में 86 साल की उम्र में रतन टाटा ने अंतिम सांसें ली। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आज उनके अंतिम दर्शन होंगे और राजकीय सम्मान के साथ उनको विदाई दी जाएगी। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। ट्वीट के माध्यम से सभी दिग्गज हस्तियों ने रतन टाटा के निधन पर दुख जताया है। मोदी, राहुल और सुंदर पिचाई समेत बिजनेस घरानों ने शोक जताया है। वहीं टाटा चेयरमैन चंद्रशेखर ने कहा कि हम अत्यंत क्षति की भावना के साथ रतन टाटा को विदाई दे रहे हैं और समूह के लिए टाटा एक चेयरपर्सन से कहीं अधिक थे। पीएम मोदी ने कहा कि टाटा एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया और उनका योगदान बोर्ड रूम से कहीं आगे तक गया। तो वहीं राहुल गांधी ने कहा कि रतन टाटा दूरदर्शी वाले व्यक्ति थे, उन्होंने बिजनेस और परोपकार दोनों पर कभी ना मिटने वाली छाप छोड़ी है। उनके परिवार और टाटा कम्युनिटी के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। मुकेश अंबानी ने कहा कि ये भारत के लिए बहुत दुखद दिन है,
साथ ही आपको बता दें गौतम अडानी ने भी एक्स पर पोस्ट के माध्यम से दुख जताया है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक महान और दूरदर्शी व्यक्ति खो दिया है। टाटा ने मॉडर्न इंडिया के साथ को रीडिफाइन किया। टाटा सिर्फ एक बिजनेस लीडर नहीं थे, उन्होंने करुणा के साथ भारत की भावना को मूर्त रूप दिया। 86 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। उद्योगपति रतन टाटा का निधन हुआ है। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक उनके अंतिम दर्शन होंगे। सीएम योगी ने भी एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि पद्म विभूषण रतन टाटा जी का निधन दुखद है। वो भारतीय उद्योग जगत के महानायक थे। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट करके दुख जताया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एक्स पर पोस्ट किया है और दुख जताया है। सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि रतन टाटा दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे, व्यापार और परोपकार दोनों पर अमित छाप छोड़ी। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि रतन टाटा के निधन का दुखद समाचार मिला।